सागर पर पुल बनाने के लिए भगवान ने महादेव को याद किया। और जब किसी को कोई पुल बनाना हो इस पार से उस पार जाने के लिए, इस पार से उस पार जाने के लिए तो महादेव का सहारा लेना ही होगा। तारे तारे तू हो शंभो, तारे तारे तू, तारे तारे तू हो शंभो, तारे तारे तू। आयो हाँ, आयो हाँ, आयो शरण तुम्हारी बाबा, तारे तारे तू, आयो शरण तुम्हारी बाबा, तारे तारे तू। भावेश्वर महादेव की हर हर महादेव। भोले बाबा का ही दिया हुआ है और हमारी जिंदगी की विषम परिस्थितियों का जहर भोले बाबा का ही पिया हुआ है। जहर पिया, अमृत दिया, जहर पिया, अमृत दिया, जहर पिया, अमृत दिया, इतना उदार
त्रिधायुधम् त्रिजगन् पाप संहारम् बिल्व पत्रम् शिवार्पणम्। तीन दल वाला बेल पत्र, तीन नेत्र वाले शिव पर चढ़ा दिया जाए सावन के महीने में, तो त्रिजन्म पाप संहारम तीन जन्म के पापों को नष्ट कर देता है। अब इससे जैसा भोला कौन होगा बताओ है? पूजये शिव शंकर कोटि कन्या महादानम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। जहाँ ये कथा हो रही है यहाँ सामूहिक विवाह होते हैं ना, लोग कन्यादान लेते हैं, एक एक कन्यादान, कोई दो दो कन्यादान, कोई चार चार पांच पांच कन्यादान लेता है। लेकिन क्या कहता है ये ग्रंथ, अखंडैर बिल्व पत्रैश्च, बेल पत्र में कोई छेद न हो, कटा पिटा न हो, डंठल दार हो, थोड़ा सा डंठल तोड़ो और उस पर श्री राम जय राम जय जय राम लिखो और उस बेल पत्र को उल्टा चढ़ा दो शिव के ऊपर, ऊपर से दूध की धार चढ़ा दो। अखंडैर बिल्व पत्रैश्च पूजये शिव शंकर कोटि कन्या महादान, चढ़ाने का 1 करोड़ कन्यादान के बराबर पुण्य मिलता है। और कोई है देवता ऐसा? तार तार तू हो बाबा, तार तार तू, तार तार तू हो बाबा, तार तार तू, आयो आयो शरण तुम्हारी सामने रखो, स्तुति को बोलते जाओ और केवल जल उसमें चावल डालो, दूध डालो, चीनी डालो, थोड़ा सा शहद, कुछ ना आवे बस ढार दो, भोले बाबा प्रसन्न हो जाएगा साहब। ऐसा भोला तीनों लोकों में कोई है ही नहीं। भगवान राम के पास जाओगे, उसे चरित्र चाहिए, स्वभाव चाहिए, साधना चाहिए, दैन्यता चाहिए। ये तो रावण को भी दे देता है, बेटा तू जा ले जा, तू जो कुछ हो जो तेरी मर्जी, तू जाने तेरा काम जाने, मेरे पास आया ना ले जा जा, क्योंकि उसका नाम अवडर दानी है, आशुतोष महादेव है। तार तार तू हो बाबा, तार तार तू, तार तार तू हो बाबा, तार तार तू, आयो 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 शरण।
जाके नहीं आया तो ठाकुर जी के मंदिर में घुसने नहीं देंगे हा? अरे घरवाली घर में नहीं घुसने देती, मरगटी में से आए हो ना, चलो ना के आओ। तो घरवाली नहीं घुसने दे रही हो, भोले बाबा कहता कि बेटा राख लिया तू स्वयं मरगटी से सीधा मेरे पास आ जा, मैं उसे तेरे को अपना लूंगा, ऐसा बोला है कहीं कोई बताओ। हमें सामर्थ न हो भोले बाबा के किसी व्रत को उद्यापन करने की जरूरत नहीं है, और कोई व्रत करोगे तो ये उद्यापन करो वो उद्यापन करो ऐसा करो वैसा करो, इसका व्रत रख लो और जब तक हो करो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, जयराम जी की है तभी कोई उद्यापन की बात नहीं आती साहब। इसकी इसकी प्रतिष्ठा करना कराने की जरूरत नहीं है। चले जाओ नर्मदा में स्नान करो, डुबकी लगाओ, जो हाथों पर जाए वही भोले बाबा, नर्मदा के कंकर और सब होते हैं। अरे बोलो तो, नर्मदा के कंकर और सब होते हैं, कोई जरूरत नहीं प्रतिष्ठा वगैरह की। और ठाकुर जी रखो खुले खुलाए, प्रतिष्ठा ज्यादा ना कराओ, क्योंकि आज हमने घर में प्रतिष्ठा करा ली, कल कोई पूजा वाला हुआ हुआ, अरे खुले रखो, आज यहाँ कल वहां परसों वहां घूमते है रही है तो ठीक है, ना कहो दूसरे दे दे के ले बेटा तू कर हा? तार तार तू हो बाबा तार तार तू, तार तार तू हो बाबा तार तार तू, आयो हा आयो हा आयो चरण तुम्हारी बाबा तार तार तू बाबा तार तार तू। अरे भैया ये भोले बाबा तो ये कहता है कि पत्थर के भी मत बना, तू तो कहूं नदी पे जा तो वहीं से मिट्टी इकट्ठी कर ले, वहीं से मिट्टी इकट्ठी कर और मेरी पिंडी बना और जो कुछ पूजा करनी है कर ले, उठा के फिर मेरे को पानी में पटक दे, मैं फिर भी खुश हो जाता हूँ। पार्थिव पूजा है हरि। लटन में लो का भोला तेरी बोले जा प्यारे रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं
विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये, जो इस रुद्राष्टक को भक्ति और भाव के साथ केवल पढ़ के सुना दे भोले बाबा की पिंडी के सामने। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या, इसको कोई भाव के साथ पढ़ दे तेषां शम्भो प्रसीदति, उसके ऊपर निश्चय भोलानाथ प्रसन्न हो जाता है। और जब वह नहीं कर सको तो कहू भारतवा में जाके गिर पड़ो है, सारी स्वतंत्रता मिल गई ना, कछु करना न धन बस है, एक लोटा ले और चढ़ा दो और क्या करना कछु नहीं। तार तार तू हो बाबा आयो शरण तुम्हारी शंभो, तार तार आयो शरण तुम्हारी शंभो, तार आयो शरण तुम्हारी शंभो, तार तार। जिन्हें राम जी की भक्ति चाहिए वह भी मिल जाएगी भोले बाबा के यहाँ। अगस्त जी को भक्ति दे करके आए थे, अगस्त जी ने कथा सुनाई, बाद में अगस्त जी ने कहा कि बोले बाबा हमने आपको कथा सुनाई कि दे तो जाओ, बोले कालियों को बोलो, बोले राम जी की भक्ति तो दे जाओ, बोले तथास्तु जा भक्ति मिलेगी तेरे को राम जी। अरे जिसके पास जो होगा वो लुटाता ही तो है, अरे जिसके पास जो हो उससे मांगो तो फिर वो और खुश होता है कि चलो मेरे पास है वही चीज मांगी ले जा, क्या नहीं है उसके पास, क्या नहीं दे सकता वो। इसलिए राम जी ने रामेश्वर की स्थापना करी, हे महादेव हे शंभो हे भूतनाथ हे डमरू वाले श्यापन वाले हे त्रिशूलधारी, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। भोला है, भोला है, पागल नहीं है, सरल है, बेवकूफ नहीं है, नंगा है पर दरिद्र नहीं है, त्रिशूल है पर शिकारी नहीं है, कमंडल है पर भिखारी, सन्यासी है पर भिकमंगा, ऐसा सन्यासी का दुनिया को बांटता है, है? भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, भिखारी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, भिखारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। एक बात और बता रहा हूँ, भोले बाबा के जो भक्त होते हैं ना, वो यदि भोले बाबा की उपासना करें तो ये भोलानाथ ऐसा ऐसा विचित्र है कि कैसा भी व्यक्ति हो कुछ दिन साधना करेगा उसे अपने जैसे ही बना लेता है, अपने जैसा ही उदार दानी सन्यासी महात्मा है। रावण को लंका दे दीनी, बीस भुजा दस शीश दिए, रामचंद्र को धनुष बाण वो तुमने जग, कामधेन इंद्र को दे दी, भिकमंगा है नंगा है और दुनिया को काम धेन इंद्र को दे दी, और मुकुट वो ईस दिए, मुक्ति है मुक्ति भक्तों को विश्वास,
अमृत दे दिया सब देवों को आप भला हनुमान किया, अमृत दे दिया सब देवों आप भला हनुमान दे दिया, जिसे मुझे मारा दिया भागी गंगा दे दी सब जग ने इस नाच किया, बड़े बड़े पापियों का तुमने एक पल में कल्याण किया, धन धन भोले नाथ बांट दिए, धन धन भोले नाथ बांट दिए, दीन लोग एक पल भर में ऐसे दीन दयाल हो दाता थोड़ी नानक की गर में, दीन दयाल हो दाता थोड़ी नारद की गई, नारद मुनि को मीरा दीनी, गंधर्वों को राम दिया, ब्राह्मण को दिया कर्म कांड और सन्यासी को ज्ञान, नारद ब्राह्मण को दिया सन्यासी को ज्ञान दिया, नारद मुनि को मीरा दी, गंधर्वों को नाम दिया, ब्राह्मण को दिया कर्म कांड और सन्यासी को ज्ञान दिया, जिसने मांगा उसी ने पाया भोले वेद ना वेद का अधिकारी, विष्णु दिया चक्र सुदर्शन लक्ष्मी सी सुंदर, विष्णु को दिया चक्र सुदर्शन लक्ष्मी सी सुंदर, काम भेद इंद्र को तेरी रावत सावलकारी, कुबेर को सारी संपत्ति का बना दिया है भंडार, कुबेर को सारी संपत्ति का बना दिया है भंडार, कुबेर को सारी संपत्ति का बना दिया है भंडार, उन्हें तन पे भस्म रमाई, अपने तन पे भस्म रमाई, ये तो मगन रहे पागंबर, ऐसे दीन दयाल हो दाता गौड़ी नानक की घर में, ऐसे दीन दयाल हो दाता गौड़ी नानक की घर में, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः विमर्शे शिव सूत्र जालम, ने तद विमर्शे शिव सूत्र जालम, ये जितनी ये सब शिव के डमरू से निकली है, नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम, नौ और पांच 14 बार डमरू बजाया।
उससे फिर सूत्र निकले। व्याकरण के सूत्र हैं वो शिव के डमरू से ही निकले हैं। तो ऐसा ये देवों का देव महादेव है, इसलिए भोले बाबा ने भगवान से कहा कि चिंता न करो, आप पुल बनाओ और पुल असहज में बन जाएगा, आप तो केवल काम शुरू करो। जैसे अर्जुन से कहा भगवान ने निमित्त मात्रम भवसभ्य साचिन, तू तो निमित्त बन जा, ये सारे युद्ध को जिताने की जिम्मेदारी मेरी है। और सावन का महीना होता है ना, ये भोले बाबा का महीना होता है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्व पत्रम शिवार्पणम पूजय शिव शंकर कोटि कन्यादानम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। गृहाण बिल्व पत्राणि सपुष्पाणि महेश्वर अब तो परंपराएं मिट गई, जमाना बदल गया। पहले तो सावन के महीने में सपेरे गांव गांव आया करते थे लेकर के नाग देवता हैं और दर्शन कराते थे। हेलो भैया भोले बाबा के गणों के दर्शन कर लो, भोले बाबा के गणों के दर्शन कर लो। और सावन के महीने में एक 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 और परंपरा थी इस भारत की धरती पर, जितनी भी बहनें होती ना वो अपने मायके में आया करती थी, माँ बुलाती थी कि आजा बेटा सावन आ गया झूला झूल जा, और गांव गांव झूले पड़ते थे, नीम के पेड़ों पर, आम के पेड़ों पर, पीपल के पेड़ों पर झूला पड़ते थे और बहन झूलने के लिए आती।
जाने बारी बारी सज गए बनवारी बन बन पे भू बन के मारी मेरी बहना बारी बरसाने बारी बारी सज गए बनवारी बन बन पे भू बन के मारी जब
समाए